हम हौसलों से तो बुलंद थे, पर ये काम का बोझ हमें भीतर से तोड़ रहा था। पता नहीं क्यों, पर इन चार दीवालों के बीच ही अपना आशियाना सा हो गया था। मंडे टू फ्राइडे की जिंदगी कुछ इस तरीके से बीत जाती थी कि उनकी गिनती सिर्फ 5 बालों से हो जाती थी। मेरी बाइक, मेरी पहली सैलरी की बाइक, 12 साल हो गए, मेरा जिगर का टुकड़ा। पापा अक्सर कहा करते थे कि 2 दूनी 4 होते हैं, और वो बात आज समझ में आई। एव माता च पिता तमेव, तमे ज छो बंधु ने सखा पण तमे ज छो। सौनु भलू करना भगवान, पर शुरुआत मेरे से करना हो। किसको डिलीवरी करनी बाकी थी? ललित भाई। चलो ललित भाई को फोन करके देखता हूं कि डिलीवरी कब पहुंचानी है। हाँ ललित भाई, डिलीवरी कब पहुंचानी है? हाँ हाँ हाँ। अरे ललित भाई है, आप जितने बड़े बिजनेसमैन सिर्फ 1 लाख का माल उठाएगा तो कैसे चलेगा? कम से कम 3 लाख का माल तो उठाना ही पड़ेगा। ना 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 ना, मुझे कुछ संभालना नहीं है, ना तुम्हारा और ना मेरा। मैं 2 लाख का माल मुकलवा देता हूं आपको, हैं? बाकी सब बढ़िया ना? घर पे सब बराबर ना? हाँ तो भले हो, चलो फोन रखता हूँ। ये जिंदगी एक तार की तरह है, अगर इसे जरा भी ढील दो तो वो फिसल जाती, और मजबूत की तो टूट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जादूगर का जादू तार पर निर्भर होता है, वो उसे कुछ इस तरीके से संभालता है कि खुद की नज़र भी ना हटे और पब्लिक की नज़र भी ना लगे। हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो 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 हेलो, हाउ यू, फाइन, ग्रेट। तो चलो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? चैप्टर नंबर 7 दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट ऑन द बोर्ड, फाइन, ठीक है ना? ओके, कब? लास्ट वीक में। वीकेंड। अच्छा बच्चों, सुनो 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 सुनो, ये जो अभी मैंने बाय मिस्टेक वीकेंड बोल दिया ना, ये वीकेंड से मुझे कुछ बातें याद आई तो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सब लोग वीकेंड्स में करते क्या हो? एनीबॉडी? कोई रेस्टोरेंट जाएगा, कोई होटल जाएगा, कोई सिनेमा देखने जाएगा, हाँ राइट, या फिर मैजिशियन का शो देखेगा, ठीक है बेटा। ये जो वीकेंड्स होते हैं ना, वो डिपेंड ही होते हैं कलाकारों पे, होते हैं ना कि नहीं होते? कलाकार जो हमें एंटरटेन करते हैं, हमें हंसाते हैं, हमें रुलाते हैं। और बेटा ये जो कलाकार होते हैं ना, हमें कभी मायूस नहीं होने देते। हर किसी को वीकेंड्स चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसको वीकेंड का इंतजार ना रहता हो। सभी को वीकेंड्स चाहिए, सभी को। बेटा किसी ने सच ही कहा है कि हम हौसलों से तो बुलंद थे ही, पर जो ये काम का बर्डन जो है ना हमारे अंदर, वो हमें तोड़ रहा है भीतर ही भीतर। और एक बात आपको पता है, ये जो मंडे होता है ना, ये संडे से वीक क्यों होता है? पता है? नहीं ना, क्योंकि मंडे वीक ही होता है बेटा। बच्चों अगर मैं इस वीकेंड के बारे में अगर ज्यादा बोलना चाहूं ना, तो आज का दिन भी कम पड़ेगा, तो ये सब बातें छोड़ देते हैं और आज का जो चैप्टर है यूनिट 7, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज। और हाँ, एक और बात, प्लीज चिल्लाना मत, आज मैं कोई होमवर्क वीकेंड्स में देने वाला नहीं हूं। सो जस्ट लीव द वे यू कैन, ओके? I don't want any voice, please चिल्लाना मत, ठीक है? तो this weekend no homework, no homework, no homework, ठीक है? तो चलो आज यूनिट 7 के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? अरे नहीं भाई, कल कैसे? कल तो वीकेंड है ना। हाँ तो आपका माल मंडे को मिल जाएगा हो। मैं इन पैसों का क्या करूँगा, कभी सोचा नहीं। वीकेंड क्या होता है मुझे पता नहीं, बस इतना समझ पाया कि हर काम के बाद आज़ादी की एक कीमत होती है जो हमें इन 5 दिनों में चुकानी होती है। जिस दिन हम देर तक सो सकते हैं ना, वो दिन वीकेंड होता है। जिस रोज हम परिवार के साथ घूमने जा सके, वो दिन होता है वीकेंड। जब लोग कलाकारों की प्रतिभा देखने जाते हैं, वो दिन होते वीकेंड।